महोबा के नो एंट्री जोन में चार पहिया वाहन को लेकर महिला चालक को जब पुलिस की पीआरडी महिला कर्मी ने रोका तो कार चला रही महिला ने पुलिस पर ही हाथ उठा दिया। यही नहीं, मौके पर पहुंचे दरोगा को भी महिला ने मुंह से हाथ में काट दिया, जिसके बाद महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मामला महोबा कोतवाली के सुभाष चौकी के पास का है, जहां रिंकी नामक पीआरडी जवान महिला नो एंट्री में ड्यूटी कर रही थी। तभी एक पिकअप कार में एक बच्ची के साथ राधा नामक महिला जा पहुंची। नो एंट्री होने के बाद भी महिला कार को अंदर ले जाने की जिद करने लगी। आरोपी के पीआरडी महिला जवान द्वारा मना करने पर उक्त महिला मारपीट पर उतारू हो गई। पीआरडी महिला जवान रिंकी ने बताया कि पुलिस चौकी में बैठे दरोगा विनोद सिंह जब उसे बचाने पहुंचे तो महिला ने अपने मुंह से उनके हाथ में भी काट लिया। इसके बाद सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। घटना ये घट गई कि यहाँ से पिकअप निकलने लगी, नो एंट्री में आने की, यहाँ आ गई सामने तक हमारे, हम उसको बैक करने लगे। बैक करने में तुरंत महिला आ गई। महिला आने के बाद हमसे कह रही है कि यहीं से जाएगी, यहीं से जाएगी। हमने उसको बैक किया, वो पीछे करके वो एकदम से हमसे लड़ने लगी, हाथापैया करने लगी। इतने में पब्लिक के आदमी जुड़ गए, फिर उन्होंने हमें बचाया। क्या उसने मारा भी आपको? मारा है। अब कहाँ है वो महिला? महिला चौकी पे बैठी है, वहाँ से दरोगा जी भी आ गए, उन्होंने बीच बचाव करने लगे और एकदम से वो एक काट लिया दरोगा जी के भी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार द्वारा बताया गया कि आरोपी महिला को हिरासत में लेकर डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। ये थाना कोतवाली के सुभाष चौकी क्षेत्र में एक महिला के द्वारा मुस्तमेजी करना और हथियारी जो हमारी महिला कर्मी थी उसके साथ हाथापाई करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक जो टेम्पो था वो नया पार्किंग जोन में खड़ा था, उसी को हटाने के लिए महिला पीआरडी द्वारा कहा गया, वहीं से महिला जो खड़ी थी उसके द्वारा महिला पीआरडी करने से बचाने की गई और उसके साथ हटा दी गई। बाद में चौकीदार जो प्रभारी चौकीदार थे विनोद सिंह, उनके आने के बाद उनको वहाँ से हटवाया गया, तो बाद में उन्हें उनके हाथ से भी डॉक्टर से काट रहा है। पुलिस इसमें अपना जो विधि कार्रवाई है वो करते हुए महिला के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। महोबा से मामी खान की रिपोर्ट।